नमस्कार, सीधे बाहर की मुंबई से आप देख रहे हैं कहानी। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। समंदर की लहरें मेरे पीछे जिस तरह से उफनती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, वैसे ही इस समय बॉलीवुड में भी कुछ हाल बना हुआ है। उतार चढ़ाव का ये एक ऐसा दौर है जो बेहद कम बॉलीवुड के सितारों को देखना या फिर झेलना पड़ता है। दीपिका पादुकोण 34 साल के इस अभिनेत्री ने शोहरत की कई नई बुलंदियों को छुआ है, लेकिन इसी के साथ इनके नाम कई विवादों में भी जुड़े। लेकिन सबसे बड़ा मामला ड्रग्स को लेकर है, जिस पर कई सवाल खड़े हुए हैं। अपनी सफाई में तो दीपिका ने मना कर दिया कि ड्रग्स उन्होंने कभी नहीं लिया, लेकिन कहा यही जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में उनका मोबाइल फोन जो एनसीबी ने जब्त किया है वो उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। एक तो दिस इज हैपनिंग। ने उस पर ब्रेक लगा दी। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर, मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। देखकर दुनिया हैरान। सवाल उठ रहा है कि सुनहरे पर्दे पर आदर्श गढ़ने वाली दीपिका, अवार्ड जीतने की क्वीन दीपिका, बॉलीवुड की नई ड्रीम गर्ल दीपिका, क्या सच में ड्रग्स मंडली की मेंबर है? नेशनल लेवल की बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुकी दीपिका क्या सच में ड्रग्स लेती हैं? क्या है मस्तानी के ड्रग्स लेने की सच्ची कहानी? इसे जानने के लिए डेनमार्क में जन्म लेने वाली दीपिका पादुकोण की वो कहानी जानना जरूरी है जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई है। इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियन प्रकाश पादुकोण की बेटी दीपिका पादुकोण बैडमिंटन कोर्ट से कैसे पहुंची बॉक्स ऑफिस, ये कहानी मुंबईया फिल्म की सुपरहिट कहानी से कम दिलचस्प नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जैसे जैसे ड्रग्स मंडली की कुंडली खुलती जा रही है, वैसे वैसे नए नए नाम सामने आते जा रहे हैं। सवाल ये है कि बेंगलुरु से चलकर बॉलीवुड में इतना बड़ा करियर बनाने वाली दीपिका पादुकोण आखिर इस ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में कैसे चली गई? सवाल बहुत सारे हैं और उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए कुल 5.5 घंटे तक एनसीबी दफ्तर में दीपिका पादुकोण से किए गए सवाल जवाब। कई सवालों का उन्होंने जवाब दिया तो कई पर चुपचाप बस देखती रह गई। बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की कमाई करती है, एक फिल्म हीरोइन के तौर पर किसी को और क्या चाहिए? दीपिका पादुकोण का तो सपना भी यही था, चमक दमक से भरी ग्लैमर की दुनिया में अपना एक नाम हो, अपनी पहचान हो। Whenever I saw Madhuri Dikshit on screen or whenever I saw Shri Devi on screen, not that I wanted to be like them, but I always somewhere deep down inside saw myself doing that. मगर बात जब सिनेमा के पर्दे तक पहुंची तो हर किरदार के साथ कहानी बदलती चली गई। सफलता मिली, शोहरत मिली, लेकिन दामन पर एक ऐसा दाग भी लग गया जिसका सच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तलाश रहा है, जिसकी सच्चाई पूरी दुनिया जानना चाहती है। ड्रग्स को लेकर एनसीबी ने दीपिका से मैराथन पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में कई नई जानकारियां सामने आई हैं। धीरे धीरे पूरा सच सामने आएगा, लेकिन दीपिका के दामन पर कैसे लगा ड्रग्स का दाग, इस कहानी का पूरा सच जानने के लिए रील को रिवाइंड करना होगा। करीब 14 साल पहले उस दौर में चलना होगा जब बेंगलुरु की एक 21 साल की मॉडल ने बॉलीवुड में एंट्री मारी थी। टुडे आई थिंक आई रियलाइज what a big decision I made back then, but at that point it wasn't difficult at all. Wasn't difficult at all for a teenager? No, not for her, for us it was difficult. Was it difficult yeah, for you? Definitely, yes. It was extremely, we were very nervous because, you know, she was only 18, she was not even 18. She didn't have a place to stay and, you know, she was going into a new, totally new field. So it wasn't easy, we were so nervous. मुंबई आने के बाद दीपिका किंगफिशर की कैलेंडर गर्ल और हिमेश रेशमिया के म्यूजिक वीडियो के जरिए बॉलीवुड में नोटिस की गई। ओम शांति ओम की कास्टिंग के दौरान शाहरुख और डायरेक्टर फराह खान ने भी, लेकिन उस तस्वीर में भी गहरी आंखों का बयान कुछ अलग कहता था। सपाट चेहरे पर गालों के बीच उभरे हुए डिम्पल 70 के दशक की शांति प्रिया की झलक दिखला रहे थे, और वाकई ऐसा ही हुआ। शांति प्रिया के लिबास में दीपिका जब स्क्रीन टेस्ट देने के लिए आई तो शांति प्रिया के अवतार में उस मॉडल का साया दूर दूर तक नहीं दिखा।
first time I was shown a picture, she was lying on a rock in a bikini. And she was supposed to play Shanti Priya, the 70s, look. And I told Farah, I can't tell, I was in Malaysia shooting Dawn. And I said, this picture is a little contrary to what we're thinking. अदाकारी की दुनिया में एक कहावत है, मॉडल्स कांट एक्ट। शाहरुख भी ऐसा ही मानते थे, इसीलिए शुरुआत में वो दीपिका के नाम पर तैयार नहीं हुए, लेकिन डायरेक्टर फराह खान के मनाने पर वो राजी हो गए। एक हीरोइन और पर्दे पर अनेक रूप, दीपिका ने पहली ही फिल्म में साबित कर दिया। अपने असल रंग के साथ पर्दे पर वो तमाम रूप बदल सकती हैं, हर रूप में हसीन दिख सकती हैं, इतनी कि शाहरुख खान जैसा सितारा सिनेमा से लेकर असल। 2007 में आई ओम शांति ओम ने जब बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए, तब शाहरुख ने सरेआम कहा था कि फिल्म में दीपिका नहीं होती तो शायद बड़ी सुपरहिट नहीं होती। ये बात दीपिका जैसी न्यू कमर को सातवें आसमान पर बिठा देने वाली। फारा मेकिंग दैट फिल्म एट दैट पॉइंट, वांटिंग टू कास्ट अ न्यू कमर एट दैट पॉइंट, शी कुड हैव चोजन टू कास्ट एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर, बट शी चोज टू गो विद अ न्यू कमर। केम अक्रॉस an ad that I had done, a one-off campaign, decided, oh my God, she's perfect for the film, didn't know who I was, purely just saw me in a couple of these campaigns, took it to Shahrukh, who was willing to take that risk. हालांकि दीपिका की कहानी में ओम शांति ओम की कामयाबी नई नहीं थी। 2006 में आई दीपिका की एक कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या भी साउथ में सुपरहिट रही थी। उस रोमांटिक कॉमेडी के साथ तब की मॉडल दीपिका अचानक बड़े पड़े, कुछ सुर आलोचना के भी थे। उस वक्त क्रिटिक्स ने कहा था, नाच गाना और हल्के फुल्के सीन तो ठीक हैं, इस मॉडल को इमोशनल सीन पर काफी मेहनत करनी होगी। हिंदी फिल्मों में हाथ आजमाने दीपिका इसी सबक के साथ आई थी और इसी सबक ने उन्हें हिंदी फिल्म का सितारा। दीपिका पादुकोण का जन्म डेनमार्क में हुआ, लेकिन उनकी परवरिश हुई बेंगलुरु में। पिता प्रकाश पादुकोण शानदार बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं इस देश के, जबकि उनकी माँ ट्रैवल एजेंट, छोटी बहन गोल्फर हैं। आपको बता दें, दीपिका पादुकोण के पिता चाहते थे कि वो बैडमिंटन में ही नाम कमाएं, लेकिन दीपिका ने अपनी मंजिल खुद चुनी और बैडमिंटन की जगह वो आ गईं बॉलीवुड में। इसके पीछे की भी अपनी कहानी दिलचस्प है। दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन के मशहूर खिलाड़ी थे। 1980 यानी दीपिका के जन्म से 6 साल पहले ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय होने का गौरव प्रकाश पादुकोण के नाम है। 1983 तक 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद 1986 में दीपिका के जन्म तक वो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन इसके साथ एक सपना भी परवान चढ़ रहा था। वो दीपिका के हाथों में बैडमिंटन का रैकेट देखना चाहते थे। दीपिका पिता के नक्शे कदम पर ही आगे बढ़ी। जब बैडमिंटन कोर्ट में उतरी तो पिता के तेवर के साथ, सुबह 5 बजे उठना, पिता के साथ बैडमिंटन की प्रैक्टिस करना, उसके बाद स्कूल के लिए तैयार होना। 10वीं क्लास तक दीपिका की कहानी में सिलसिला यही चलता रहा। तब दीपिका बेंगलुरु के सोफिया हाई स्कूल में पढ़ती थी। दीपिका ने बैडमिंटन के स्टेट और नेशनल लेवल चैंपियनशिप तक के मैच खेले। दीपिका स्कूल के दिनों से ही नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। रैंप पर कैटवॉक खासकर दीपिका को बेहद पसंद था, ये बात माता पिता को भी पता थी, मगर ये प्यार बैडमिंटन से भी ज्यादा मायने रखता है। इसका पता उन्हें तब चला जब दीपिका ने बेंगलुरु से बॉलीवुड जाने की दिली इच्छा जाहिर की। बॉलीवुड में ड्रग्स और डिप्रेशन का पुराना रिश्ता रहा है, कई बड़ी बड़ी कहानियां सामने आई इसको लेकर, लेकिन दीपिका पादुकोण का नाम सामने आना अपने आप में बेहद चौंकाने वाला रहा। दरअसल बॉलीवुड के गलियारे में इस बात की चर्चा है कि डिप्रेशन की वजह से ही इस सफेद जहर की चपेट में दीपिका पादुकोण आई, लेकिन सवाल ये कि आखिर डिप्रेशन की वजह क्या थी, वो क्या कारण थे कि दीपिका इस तरह के अवसाद में घिर गई थी, क्या है ड्रग्स और डिप्रेशन की पूरी कहानी। लक्ष्मी का किरदार हो या फिर बाजीराव की मस्तानी का, कॉकटेल में वेरोनिका का रोल हो या फिर रामलीला में लीला का, लेकिन इस बीच वो रिश्तों की ऐसी उलझन में भी फंसती गई जिसे डॉक्टरी भाषा में डिप्रेशन कहते हैं। जिस दौर में हर तरफ हीरोइन की काबिलियत और चढ़ते स्टारडम ग्राफ की चर्चा थी, उस वक्त दीपिका खुद को घंटों कमरे में बंद कर लेती थी। उन्हें बिना स्ट्रगल आई डिडंट एंजॉय, and in fact I think that's something I'm still scared of. I don't like the sound of an alarm. I think waking up was tough because I didn't want to face a day.
उस दौर के जिक्र से ही दीपिका एक टीवी इंटरव्यू के दौरान रो पड़ी। तब बहुतों ने कहा था कि डिप्रेशन की बात कबूल करने से इमेज खराब होगी, मगर दीपिका की कोशिश ये थी कि जिस मर्ज की शिकार वो हुई उसकी चपेट में कोई और ना आए। The triggers could be different for different people, but it's something that came on very unexpectedly, and I think it was important for me to share my story, to share my journey, to share my experience with the intention of helping other people who were probably struggling with the same thing but not being able to recognize what they were. Deepika ki zindagi mein us afsaad ki wajah kya thi? अगर शोहरत और कामयाबी के लिहाज से देखें तो दीपिका की जिंदगी में डिप्रेशन की कोई जगह नहीं दिखती। फरवरी मार्च 2014 के जिस दौर में दीपिका दिल और दुनिया से निराश महसूस कर रही थी, उस वक्त बॉलीवुड की बेस्ट एक्ट्रेस की दौड़ में सबसे आगे थी। दीपिका की दो दो तीन तीन फिल्में बेस्ट एक्ट्रेस की दौड़ में शामिल थी। रामलीला के लिए फिल्म फेयर समेत तमाम अवार्ड्स। बेस्ट एक्ट्रेस की जिंदगी में अवसाद का दौर लंबा नहीं रहा, वो जल्द इससे बाहर निकली। अगर वो हिम्मत न दिखाती तो शायद उनकी कहानी ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्म के साथ खत्म हो चुकी से बाहर आई, बल्कि लोगों की जागरूकता के लिए लिव लव लाफ फाउंड। सवाल ये है कि दीपिका क्या डिप्रेशन के दौर में ड्रग्स के करीब आई? हालांकि एनसीबी ने दीपिका से जो 5.5 घंटे की पूछताछ की उसमें दीपिका ने ड्रग्स लेने की बात को साफ तौर पर नहीं माना है। हाँ, उन्होंने ड्रग्स चैट की बात मानी है जिसकी वजह से उन पर ड्रग्स लेने के आरोप लग रहे हैं। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर, मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। ये व्हाट्सएप ग्रुप चैट दीपिका, उनकी मैनेजर करिश्मा और सुशांत की टैलेंट मैनेजर जया साहा के बीच 28 अक्टूबर 2017 को हुई थी। दीपिका ने हैश और वीड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए करिश्मा से पूछा था, माल है क्या? खास बात यह है कि दीपिका ही इस ग्रुप की एडमिन भी थी। ड्रग्स केस में फंसी हुई दीपिका पादुकोण पहली बार कोई विवादों में नहीं फंसी हैं। इसके पहले भी कई विवाद उनके साथ जुड़ते रहे हैं। वैसे कई बार तो बॉलीवुड में फिल्मों को हिट कराने का फॉर्मूला भी ये तमाम विवाद माने जाते हैं, लेकिन दीपिका के साथ जुड़े हुए विवादों ने कई बार उनका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। बॉलीवुड में जैसे जैसे दीपिका पादुकोण का ग्राफ बढ़ा, उनके साथ जुड़ने वाले विवादों का सेंसेक्स भी उतनी ही तेजी से बढ़ता गया। दीपिका 8 जनवरी को तब विवादों में घिर गईं जब वो जेएनयू में हिंसा के खिलाफ धरने पर बैठे वामपंथी। हालांकि दीपिका का ये दांव 10 जनवरी को उनकी आने वाली फिल्म छपाक के प्रमोशन तानाजी द अनसंग वॉरियर से, लेकिन छपाक के प्रमोशन का ये दांव उल्टा पड़ गया। दीपिका के जेएनयू दौरे का जमकर विरोध हुआ। सोशल मीडिया पर उसे राष्ट्रवाद से जोड़ दिया गया। दीपिका को टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक तक बताया गया। आई थिंक सबसे पहले जो मुझे कहना था मैंने 2 साल पहले ऑलरेडी कह दिया। जब पद्मावत रिलीज हो रही थी उसी वक्त मुझे जो मैं महसूस कर रही थी मैंने उसी वक्त कह दिया था। अब जो मैं देख रही हूँ मुझे बहुत दर्द होता है, और दर्द इसलिए क्योंकि आई होप दैट दिस डजंट बिकम द न्यू नॉर्मल। कि कोई भी कुछ भी कह सकता है एंड दे कैन गेट। ये विवाद जेएनयू तक ही नहीं रुका। छपाक फिल्म में एसिड फेंकने वाले का नाम राजेश शर्मा था, जबकि असल में जिसने लक्ष्मी अग्रवाल पर तेजाब फेंका था उसका नाम नदीम खान था। किरदार का नाम क्यों बदला गया इस बात को लेकर भी साल 2017 में फिल्म पद्मावत के खिलाफ भी खूब प्रदर्शन हुआ। संजय लीला भंसाली की इस बिग बजट फिल्म पर इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगा। फिल्म में दीपिका रांची जयपुर में लगाए गए पद्मावती के सेट पर राजपूत करणी सेना के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की, और फिल्म के निर्देशक
संजय लीला भंसाली के साथ हाथापाई भी की। विवाद से बचने के लिए भंसाली ने जयपुर में फिल्म की शूटिंग रद्द कर दी थी, लेकिन जब महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सेट लगाया गया तो वहां पर भी आगजनी की घटना हो गई। सर, फिल्मों में ही नहीं बल्कि निजी जिंदगी में भी दीपिका कुछ बयानों को लेकर विवादों में रही। महिला अधिकारों की लड़ाई को लेकर माई चॉइस उन्होंने क्या कहा, इस पर नया बखेड़ा खड़ा हो गया और फिर महिला अधिकारों को लेकर एक नई तरह की बहस इस देश में छिड़ गई थी। ये इमेज पर्दे से लेकर असल जिंदगी में तमाम बंदिशें तोड़ती है और इस बेबाक रूप में दीपिका खुद औरत के आजाद रूप का प्रतीक बन जाती है। मगर ये प्रतीक औरतों की आजादी के मंच पर एक नया बखेड़ा भी खड़ा कर देता है। शादी और सेक्स को लेकर इस वीडियो में दीपिका की चॉइस पर खूब विवाद हुआ, खासकर शादी के बाद भी मनचाहे संबंधों को लेकर उनके विवादित बयान पर। ये बात दीपिका के चाहने वालों को भी खटकी। सवाल उठे कि जिन मूल्यों की वकालत वो माई चॉइस में कर रही है वो भारतीय मूल्यों के खिलाफ है। Disappointing when you know a few lines are pulled out of context and we miss the larger point that the film is trying to make. कुछ ही दिन बाद जब दीपिका की एक तस्वीर अखबार में छपी तो उसे लेकर दीपिका ने न सिर्फ नाराजगी जताई बल्कि अखबार को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। तस्वीर में क्लीवेज को लेकर कैप्शन और तस्वीर दिखाने की मंशा पर दीपिका की आपत्ति। I think I've said what I've had to say and I think everything else will be taken care of. And I think what you said is wonderful. It's fantastic. We all believe in it. Maybe we all the men here, and I speak for all of us, Vivan, Baman sir, myself, Abhishek and Sonu, maybe we've not had the guts to do what she's done, but we believe in it and we support it. दीपिका पादुकोण ने साल 2018 में रणवीर सिंह के साथ इटली में सात फेरे लिए। उसके पहले 6 सालों तक दोनों रिलेशनशिप में रहे। इन दोनों की जोड़ी को खूब सराहा गया, खूब पसंद किया गया, लेकिन सवाल ये है कि इनकी प्रेम कहानी परवान चढ़ी कैसे, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प। दीपिका की जिंदगी में रणवीर की एंट्री ने बहुत कुछ बदल दिया। ये वो वक्त था जब दीपिका का रणबीर कपूर के साथ ब्रेकअप हो चुका था और दूसरी ओर रणवीर सिंह की पहली फिल्म बैंड बाजा बारात बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी थी। संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला में साथ काम करते हुए दोनों नजदीक आए। सीन्स ऑफ माय करियर दस फार हैव बीन विद दीपिका। आई थिंक रामलीला में तो जो पहली बार जब लोगों ने केमिस्ट्री देखी, मैंने भी जब देखी, मैंने कहा यार ये एक बहुत ही स्पेशल है। साल 2013 में रणवीर सिंह को डेंगू हुआ और वो करीब 2 हफ्तों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे। इस दौरान मीडिया की नजरों से बचती बचाती दीपिका भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंची, लेकिन मोहब्बत की खबरें सुर्खियां बनने लगी। दोनों की मोहब्बत का एक मजेदार किस्सा है। दीपिका पादुकोण उन दिनों फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग दुबई में कर रही थी। इस दौरान रणवीर बिना किसी को बताए दीपिका से मिलने दुबई पहुंच गए। रणवीर को अचानक वहां देखकर सब हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे सबको पता चल गया कि आखिर रणवीर वहां क्यों पहुंचे थे। फिल्म्स के सेट पर जाने का सिलसिला यहीं नहीं थमा। रेस 2 और चेन्नई एक्सप्रेस के सेट पर रणवीर सिंह अक्सर पहुंच जाते थे। दौरान रणवीर ने फिल्मी अंदाज में दीपिका से प्यार का इजहार किया। 2018 में फिल्म पद्मावत में साथ काम करने के बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। 14 नवंबर 2018 को इटली के लेक कोमो में रणवीर और दीपिका ने शादी कर ली। ड्रग्स केस में फंसी दीपिका पादुकोण की कहानी में आज के लिए बस इतना ही। 34 साल के सुपरस्टार की मुश्किलें ये ड्रग्स मामला कितना बढ़ाएगा, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। मुंबई से आज की कहानी में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।